दोस्तों, जब से Xiaomi ने अपना एयर चार्जर इंट्रोड्यूस करवाया है तब से वायरलेस चार्जिंग बहुत चर्चा में चल रहा है। हालांकि ये डिवाइस अभी बेचने के लिए लॉन्च नहीं किया गया। अब देखने लायक होगा कि Xiaomi इस डिवाइस को बेचेगा या इस फोन की तरह सो ही करेगा। खैर जो भी हो, लेकिन ये डिवाइस कैसे काम करता है ये इंटरेस्टिंग है। Xiaomi के अनुसार इस डिवाइस में 5 अलग अलग तरह के एंटेन लगे हुए हैं। जब भी आप रूम में एंटर करोगे तो वो आपके फोन की एक्यूरेट लोकेशन डिटेक्ट करके लाइट को मिलीमीटर वेव्स में कन्वर्ट करके बीम फॉर्मिंग टेक्निक से आपके फोन तक भेजेगा। बीम फॉर्मिंग टेक्निक को सिंपल शब्दों में कहें तो वो चार्जर के द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड को चारों ओर फैलाने की बजाय सिर्फ आपके फोन तक ही भेजेगा, जिससे ऊर्जा का बगाड़ कम होता है और एफिशिएंसी भी बनी रहती है। और दूसरी साइड आपके फोन में भी दो तरह के एंटेना लगे हुए होंगे। एक आपके फोन की एग्जिट लोकेशन चार्जर तक भेजेगा और दूसरा उस मिलीमीटर वेव को वापस आपके फोन में ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। पर इसके साथ एक सवाल यह भी होता है कि इस चार्जर का रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है ना? तो देखा जाए तो मिलीमीटर वेव्स नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है। रेडिएशन को मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आयोनाइजिंग और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में एक्सरे, गामा रे और अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल का समावेश किया जाता है जो ह्यूमन सेल में म्यूटेशन कर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा सूरज से आ रहा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आपके सेल में म्यूटेशन पैदा कर सकता है। इसलिए तो कहते हैं जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंडेक्स हाई हो तो सनस्क्रीन लगाए बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। पर मिलीमीटर वेव्स नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है, इसलिए इस रेडिएशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे ह्यूमन सेल को नुकसान कर पाए। बाकी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। Xiaomi के अलावा Vitricity नाम की कंपनी भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। साथ में मोटोरोला ने भी अपने वीडियो जारी कर बताया कि वो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारी तकनीकें हैं जिससे वायरलेसली ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है। 1891 में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कुछ इसी तरह का उपकरण बनाया था टेस्ला कॉइल नाम से। वो पूरी दुनिया में वायरलेस बिजली पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा टावर भी बनवाया था। लेकिन उस वक्त इनकी खोजों की किसी ने अहमियत नहीं की। कई लोग इनको इविल साइंटिस्ट भी कहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन किताबों में भी इनका जिक्र बहुत कम आता है। खैर आज हमारे पास और भी कई सारी तकनीकें हैं जिससे हम वायरलेसली ऊर्जा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जो आजकल हम मोबाइल्स और कार्स में देखते हैं वायरलेस चार्जर के तौर पे। इनमें चार्जिंग पैड और चार्ज होने वाले डिवाइस में इलेक्ट्रिक वायर की एक कॉइल लगी होती है। जब भी चार्जिंग पैड को बिजली के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो कॉइल की मदद से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब भी दूसरी कॉइल को इसके पास लिया जाता है तो वो अपने आप ऊर्जा को ट्रांसमिट करने लगता है। पर इस टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम है, चार्जिंग पैड के नजदीक तक तो ठीक है, पर अगर चार्जिंग पैड से चार्ज होने वाले डिवाइस की दूरी कुछ इंच भी बढ़ जाती है तो भी वो चार्जिंग करना बंद कर देता है, जिससे एक ट्रू वायरलेस एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। पर हाँ, टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशन कर इसकी दूरी बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें रेजोनेंट सर्किट को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो इससे इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है, जैसे Xiaomi और अन्य कंपनी ने किया। दरअसल इसमें कॉइल्स को एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में ऑक्सीलेट किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो लाइट को वेव्स में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में छोड़ दिया जाता है। पर इस तरह की टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा से ज्यादा एक रूम तक ही लाइट को ट्रांसमिट किया जा सकता है। पर अब मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ उससे बिजली को स्पेस तक भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। दोस्तों आज के डेट में इस तरह का कांड करने के लिए हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें से पहली है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, जिससे इस तरह की टेक्नोलॉजी से हम अर्थ से स्पेस तक और स्पेस से अर्थ तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेडिएशन होता है वो ह्यूमंस और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। और इसी कैटेगरी में दूसरी टेक्नोलॉजी आती है लेजर। दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत ही पावरफुल लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेजर को फोटोवोल्टिक रिसीवर पर पॉइंट किया जाता है। ये रिसीवर दिखने में सोलर सेल जैसे ही होते हैं, पर असल में इनको लेजर की वेवलेंथ के हिसाब से ट्यून किया जाता है। बदकिस्मती से इसको भी हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रेडिएशन भी बहुत ही खतरनाक होता है। बाकी इस तरह की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है, पता नहीं भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।